जैन साथियों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, वो भी भाग विधि से। जो कल वीडियो में मैंने आपको बताया था वो गुणनखंड विधि थी, और इस विधि में हम आपको भाग विधि से कैसे निकाला जाता है वो हम बताएंगे। तो चलिएगा, देखते हैं, क्योंकि इसमें पूर्ण वर्ग हो उसका भी निकल आएगा, अपूर्ण वर्ग संख्या ना हो उसका भी वर्गमूल निकल आता है। लेकिन गुणनखंड विधि में क्या होता है, उसमें सिर्फ हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हम चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आप तो इसमें आपको हम पहला सवाल है जो इसमें लेकर के चलते हैं। देखिएगा, जैसे कि 361 दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हम आपको क्या करेंगे, इसमें पीछे से जोड़ा बनाते हैं। इसमें तो देखिएगा, अब हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। इसमें क्या होता है, हमेशा स्क्वायर में ही चलता है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो एक एक का ही करेंगे, दो और दो का ही करेंगे, तीन और तीन का ही करेंगे, चार और चार का, ऐसा नहीं एक में तीन का कर दिया, एक में दो का कर दिया, दो में चार का कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो चलिएगा, हम देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है जैसे कि हम किससे भाग देंगे, एक से, एक एकन एक, ठीक है। अब इसमें क्या करें, इधर वाला जो भी है वो जोड़ा जाता है, तो हम इसे जोड़ लेंगे, जोड़ कर लिख देते दो, ठीक है। इधर एक एकन एक बार गया था, अब घटाते हैं कितना बचा है हमारे पास, यानी दो बचा है, ठीक है। अब यहाँ से उतरेगा तो पूरा जोड़ा उतरेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक नई संख्या, ये तो दो रहेगा, एक नई संख्या लेते हैं ताकि हम इस संख्या को काट सकें, ठीक है। तो ये नई संख्या हम आपस में गुणा करके देखते हैं, जैसे कि दो है तो यहाँ पे चार का करेंगे तो 24 चौके 96 होगा, ठीक है, बहुत दूर है। आठ का करेंगे, नौ का करेंगे तो 9 81, 8 9 2 18, 18 8 26, ठीक है। तो हमें कितने करना पड़ेगा, 9 का करना पड़ेगा, यानी 9 81 और 18 8 26, तो हमारा कितना हो गया, 261, कितनी बार गया, 9 बार गया, ठीक है। हमारा बस यहाँ पर वर्गमूल निकल आया, तो इसका वर्गमूल कितना आया, 19 आया, ठीक है। तो चलिएगा, अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि सवाल में दिया है 2045 का वर्गमूल निकालना है हमें, तो अभी मैंने उसमें दिया था जिसमें पीछे वाला सिंगल, पीछे वाला तो डबल बना था, आगे वाले सिंगल, इसमें दोनों देखिएगा डबल जोड़े हैं, इसी वजह से मैंने ये सवाल लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, हम अब इस जोड़े में पूरे में किसी वर्ग का गुणा कर करके, ठीक है, कोई संख्या आपस में ही गुणा करके इसके बराबर या इससे कम लेकर के आएंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी भाग ही होता है इससे। हम तो हम क्या करेंगे, 3 3 4 4 16 5 5 25, तो 4 बार, 4 4 16, ठीक है। तो अब इधर वाली संख्या क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है, कितना हो गया, 8, इधर वाला घटाते हैं 4। अब यहाँ पर देखिएगा पूरा जोड़ा उतरेगा, यानी 25, ठीक है। अब 8 तो है यहाँ पर, अब एक कोई नई संख्या लेते हैं जो हम इसको काट सकें, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है तो जायदाद 5 ही लेना पड़ेगा, तो कट जाएगा हमारा, तो 5 5 25, 5 8 40, 2 42, ठीक है। तो ये हमारा कितनी बार गया, 5 बार, तो हमारा वर्गमूल कितना आया, 45, ठीक है। तो चलिएगा, हम आगे देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो 450 है, इसका भी वर्गमूल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाते हैं पहले। तो देखिएगा, भागफल हम ऊपर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मत कहना है कि मतलब ऊपर है इधर नहीं लिख सकते हैं, चलिए हम इधर पीछे पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 9 4, ठीक है,
तो अब देखिएगा इधर वाली संख्या है वो से हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अब इधर का 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे 50 इसका उतारा लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर 4 तो है, अब एक कोई नई संख्या लेंगे जो हम 50 को काट सकते हैं, ठीक है। ये 2 लिख दिया तो 1 लेते हैं, ठीक है। तो 41 41 41, एक बार गया, ठीक है। कितना बचा? 9। अब देखिएगा इधर वाला जोड़ते हैं, 2 4। अब यहाँ पर इधर तो 42 है, इधर 9 है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। इसमें देखिएगा पूरा जोड़ा उतर के आता है, तो यहाँ पर 2 0 का जोड़ा उतर के हमारे पास आ गया। अब 42 है, अब कोई नई संख्या लेते हैं जो कि हम 9 को 900 है दिया है, इसे हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 से करते हैं, तो 2 2 2 ना 4 और 2 2 ना 4, 2 4 8, ठीक है। इससे हम घटाते हैं, इधर कितना 6 बचेगा, इधर कितना 5 बचेगा। देखिए सवाल है लगातार चलता रहेगा, तो हम इसका दी एंड यहीं पर करते हैं, 21.2। इसे हम अगर 3 लिख देते हैं तो हमारा पीछे लगभग में सवाल हो जाता है, तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।